अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के। चैप्टर नंबर 14 का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं कि कौन से हैं। आपने वो वीडियो लेक्चर प्रिपेयर भी कर लिए होंगे। ओके, अगर नहीं किए तो उनका लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, इसलिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ओके, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस की तैयारी करें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हर स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस की तैयारी लाजमी करनी चाहिए। इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होगी फिर ही आपके इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ सकेंगे। ओके, सो इससे नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, उसके कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं। ओके, सो उन लेक्चर्स को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें कि क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है। ठीक है, आपसे क्या डिमांड किया गया है कि आपने किस चीज का आंसर देना है। तो इसके अंदर अगर आप देखें किस चीज का डिमांड की जा रही है, किस चीज के बारे में आंसर चाहिए, तो इसमें आप देखें डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करना है, हमें किसको डिस्क्राइब करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें चेंज को हमने डिस्क्राइब करना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो है, जिसके अंदर स्टेडी करंट जा रहा है, उसके अंदर जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड को देखना है कि उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी। कब कब हम उस तब्दीली को देखेंगे, इफ अगर द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल, अगर सोलेनॉइड की लेंथ को डबल कर दिया जाए, बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम। लेंथ तो डबल हो लेकिन जितने उसमें टर्न्स है ना वो सेम रहे उसकी तादाद, तो उसमें हमने देखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। ओके, सो आंसर देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन साइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मतलब यह है कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर से करंट गुजर है, तो इस वजह से सोलेनॉइड को कहेंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन साइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बी इज इक्वल टू माइक्रोनॉट एन आई। ओके, ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन इक्वल होता है कैपिटल एन ओवर एल के, सो स्मॉल एन को हमने इधर रिप्लेस कर दिया है कैपिटल एन ओवर एल से। ओके, बाय अप्लाइंग द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन ये थी कि हमने क्या किया, लेंथ जो है वो डबल कर दी, एल जो है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है, इसको डबल करने से मुराद ये है कि एल के साथ अगर टू लगा देंगे तो एल डबल हो जाएगी। ओके, बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, लेकिन टर्न्स को हमने बिल्कुल भी हमने इसको नहीं चेंज करना क्योंकि टर्न्स की तादाद सेम ही रहेगी, तो एन सिंपल वैसे रह गया। ओके, सो बी बार बराबर है, इसको हमने बी बार के इक्वल स्टूडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखें माइक्रोनॉट एन आई ओवर टू एल। ठीक है, अगर आप टू जो है हमने डबल किया, अगर टू को आप साइड पे करें तो माइक्रोनॉट आई माइक्रोनॉट एन आई ओवर एल, यहाँ पर भी है माइक्रोनॉट एन आई ओवर एल, तो ये बी के इक्वल हुआ ना, तो यहाँ पर जो है हमने इसको बी से रिप्लेस कर दिया, टू नीचे वैसे रह गया। ओके, सो इसका मतलब जो नई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इज इक्वल टू बी ओवर टू है, इसका मतलब हाफ हो गई है। थस ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, अब जो है जब हमने डबल कर दी है सोलेनॉइड की लेंथ बाय कीपिंग द टर्न्स कांस्टेंट, जब हमने टर्न्स कांस्टेंट रखे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तब जो है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आधी हो गई है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। ओके स्टूडेंट्स, सो वन टाइम मोर हम इस पूरे क्वेश्चन को और वन टाइम मोर रिकैप कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर से स्टेडी करंट मूव कर रहा है, आई मीन्स के कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, स्टेडी करंट मूव कर रहा है एक सोलेनॉइड से, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो है चेंज होगा उसको डिस्क्राइब करना है। वो चेंज कैसे आएगा, अगर जो लेंथ है सोलेनॉइड की उसको डबल कर दिया जाए, इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, लेकिन जो टर्न्स की जो तादाद है वो सेम रहेगी। तो इस वजह से तो है जब हम एक सोलेनॉइड है और उसमें से करंट पास कर रहा है, ओके, और उस सोलेनॉइड की अगर हमने लेंथ बढ़ा दी है, इसके डबल कर दिए, लेकिन टर्न्स की तादाद बिल्कुल सेम है, तो तब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या चेंज होगा उसको डिस्क्राइब करना है।
ओके सो इसका आंसर हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाफ हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, सबसे पहले हमने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बी इज इक्वल टू माइक्रोनॉट एन आई. ओके एन को हमने रिप्लेस कर दिया एन ओवर एल से. ये स्टूडेंट्स इस वजह से किया क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ की बात हो रही है. जब लेंथ की बात हो रही है तो एन जो होता है स्मॉल एन वो इक्वल होता है कैपिटल एन ओवर कैपिटल एल के. ओके सो बाय अप्लाइंग द गिवन कंडीशंस, हमने गिवन कंडीशंस अप्लाई करनी थी कि जब हमने लेंथ को डबल कर दिया तो लेंथ के साथ आ गया टू. बाकी अब ये देखें ये बी बार से को इक्वल हम करें क्योंकि डबल बी ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमने सेपरेट करने के लिए बी बार को यूज किया. ओके सो बी बार इज इक्वल टू माइक्रोनॉट एन आई ओवर एल. सो ये सारी जितनी भी यहां से लेकर यहां तक टू के अलावा जितने भी सारी टर्म्स हैं ये सारी बी से मैच करती हैं. ठीक है सो टू नीचे रह गया बी ऊपर आ गया. सो बी क्या हो गया, बी बार नई जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हाफ हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से. ठीक है थस ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, जब हम सोलेनॉइड की लेंथ को डबल कर देंगे बाय कीपिंग द टर्न्स कॉन्स्टेंट, टर्न्स जितने भी हैं उनको बिल्कुल भी चेंज ना करके, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम रहना, तब्दीली ना आना. ठीक है By keeping the terms constant, terms को हमने constant रखा है, the magnetic field strength becomes one half of its original value. तब जो magnetic field strength है, magnetic field strength वो अपनी original value से half हो जाएगी. Okay? So now student, ये था question number one. उम्मीद है आपको समझ आ गई हो. So now question number two. A plane conducting loop is located in a uniform magnetic field. A plane conducting loop. अब एक loop है. ठीक है जिसके अंदर से जो है कंडक्टिंग का मतलब यही होता है कि उसके अंदर से करंट पास कर सके. ठीक है जैसे ही आपने कंडक्टिंग का लफ्ज देखा उसका मतलब ये होता है कि इसमें से करंट पास कर सकता है. ओके सो एक अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस. फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कि जब हमारे पास एक लूप है कंडक्टिंग लूप है ठीक है और उसको यूनिफॉर्म मींस कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है मैग्नेटिक उस रीजन से बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल सेम जो है मैग्नेटिक फील्ड है. ओके इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्ट कर रही है अलग एक्स एक्सिस. फिर ये होता है अलग एक्स एक्सिस. ठीक है सो इस एक्स एक्सिस के अलंग जो है एक लूप होती है जिसको टर्न्स होते हैं. ठीक है एक वायर को टर्न्स कर दिया जाए मींस के मोड़ दिया जाए तो क्या होती है लूप होती है. सो लूप जो है अलंग एक्स एक्सिस पड़ी हुई है. ओके सो फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज फ्लक्स मैक्सिमम, क्या ओरिएंटेशन हम उसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से करें कि जो है फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम का मतलब बहुत ज्यादा है. और फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, क्या उस लूप की ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन होनी चाहिए कि फ्लक्स हमारे पास मिनिमम आ जाए. ओके सो ये हमारे पास आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स. सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा उसमें. ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है गिवन एज फाइ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ओके डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है कॉस थीटा आता है. तो हमने लिख मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. देन वेक्टर एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अगर जो कंडक्टिंग लूप है उसका जो वेक्टर एरिया है वो किसके डायरेक्शन में होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा. ओके सो फ्लक्स मैक्सिमम होगा कॉस जीरो पे. कॉस जीरो क्या होता है वन. सो बी ए फ्लक्स फाइ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसका मतलब फ्लक्स मैक्सिमम है. स्टूडेंट वन टाइम मोर, व्हेन वेक्टर एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर तो वेक्टर एरिया कंडक्टिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन में हुआ तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा. व्हेन वेक्टर एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देन फ्लक्स विल बी मिनिमम, तब फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स ये सारी लाइन सेम है, ये भी और ये भी, सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, अगर तो जो है जब वेक्टर एरिया जो है कंडक्टिंग लूप का किसके डायरेक्शन में होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उस डायरेक्शन में ही अगर वेक्टर एरिया कंडक्टिंग लूप का हुआ तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा. जब वेक्टर एरिया कंडक्टिंग लूप का परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के तब फ्लक्स मिनिमम होगा. ओके परपेंडिकुलर तो स्टूडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब
पैरेलल होता है, पैरेलल पे कोई एंगल नहीं बन रहा होता, इसीलिए जीरो लगाते हैं। तो ये कॉस जीरो होता है वो होता है वन, ठीक है। तो तब जो है वो फ्लक्स हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। जब हम 90 डिग्री कोस थीटा की जगह कोस के साथ 90 डिग्री अप्लाई करेंगे तो कोस 90 जीरो के इक्वल होता है। ओके, तो जब वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के जो वेक्टर एरिया है कंडक्टिंग लूप का, तब फ्लक्स मिनिमम होगा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी राइट देयर एज द यूनिट्स। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो स्टूडेंट्स, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इनको डिफरेंट मेथड से पूछ लिया जाता है, अंदाज से पूछ लिया जाता है पेपर्स में, लेकिन इसका आंसर सेम है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो ऊपर कहा गया है कि आपने डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क बताना, ठीक है, डिफरेंस बताना। आपने डिफरेंस बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान। ओके, और नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करें, इसका आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो ऐसे यूनिट्स भी बताने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ कोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, तो वो जब पास करती है किसी सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया से, एरिया के किसी खास एलिमेंट से, ठीक है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स, विच इज आल्सो कॉल्ड वेबर। और इसको वेबर भी कहा जाता है, वेबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू बी से। सो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 3 MCQs भी बनते हैं, बल्कि ये ऊपर के 4 लाइन्स 4 MCQs के इक्वल भी हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश क्वांटिटी। सो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है कि इसका एसआई यूनिट क्या है, तो आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स। सो इसका एक और यूनिट आ सकता है, अगर न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स MCQs में के ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल तो वेबर भी है, और अगर वेबर भी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है तो डब्ल्यू बी भी आ सकता है। ओके, तो इस लिहाज से ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे MCQs की ओरिजिनेशन का बाइस भी है। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, विच इज आल्सो कॉल्ड वेबर। ओके, सो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस, सर्फेस के पर यूनिट एरिया पर, और वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तब इसको कहा जा सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका जो ऐसा यूनिट है ये है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स, और इसको क्या कहा जा सकता है, टेस्ला। टेस्ला को टी से डिनोट किया जाता है। ओके, सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें से बहुत से MCQs आ सकते हैं, बल्कि ये खुद भी एक तो कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, दूसरा ये कि हमारे पास इससे MCQs भी रेडी हो रहे हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स, और इसको क्या कहा जा सकता है, टेस्ला। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। व्हाट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स Give role of electric and magnetic force in this regard. So question है, Lorentz force क्या है, और आपने electric और magnetic force के बारे में जो है कि क्या किरदार अदा कर रही है Lorentz force में। So answer है, the vector sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. Electric force and magnetic force के vector sum को Lorentz force कहा जाता है, और इसको denote किया जाता है capital vector F से। Vector F is equal to electric force plus magnetic force इज इक्वल टू एफ ई किसके इक्वल होता है, क्यू वेक्टर ई के, और एफ और एफ वी किसके इक्वल होता है, मींस के मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के। ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स डस वर्क, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो वर्क करती है, वाइल लो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विच इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए होता है, कोई भी वर्क मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर फोर की लॉरेंस फोर्स क्या है, गिव रोल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इन दिस रिगार्ड। और हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रोल बताना था इसमें। सो हमने देखा कि जो लॉरेंस फोर्स है, द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इसका लॉरेंस फोर्स।
इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम को लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। वेक्टर एफ से इसको डिनोट किया जाता है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ बी, मीन्स के इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स कौन सा वेक्टर सम। ओके, सो एफ ई इक्वल है क्यू वेक्टर ई के प्लस एफ बी इक्वल है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के। ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स डस वर्क, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स वो वर्क करेगी, व्हाइल नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और कोई भी वर्क द मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं होगा, ये सिंपली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? So students, ये question very interesting है कि अगर आप जो magnet है वो आप टीवी की screen के पास लेके जाते हैं, टीवी स्क्रीन की जो picture है उसके पास लेके जाते हैं, तो picture distorted क्यों हो जाती है, means कि picture सही नजर नहीं आती, ऐसा क्यों होता है? So इसका answer है, as we know that, जैसा कि हम जानते हैं, when charges are moving in a certain region, A magnetic field is existed around the charges due to the flow of current. Student, ये तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। ये फिनोमेना ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं ना, तो उनके इर्द गिर्द जो उनके सर्टेन रीजन होता है उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है उन चार्जेस के अराउंड। इसकी वजह से होती है, करंट के फ्लो की वजह से होती है। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसेस देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन। इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं। इमिटेड का मतलब होता है खारिज होना, निकलना। तो जब इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब वो टेलीविजन की स्क्रीन तक पहुंच रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन होती है, ओके, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं और उन्होंने टीवी की स्क्रीन तक पहुंचना होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन गन से निकल लेके दौरान से लेकर टीवी स्क्रीन तक पहुंचने तक वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, देन अ मैग्नेटिक ब्रॉड नियर द स्क्रीन द इलेक्ट्रॉन इमिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स। जब हम एक मैग्नेट लेके आ जाएंगे टीवी की स्क्रीन के पास, ठीक है, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन गन से निकलेंगे वो उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, लेकिन वो एक एक्सटर्नल जो है उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्रॉस बी एंड हिंस आर डिफ्लेक्टेड, और तब वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू देयर चेंज ऑफ पाथ। जब उनका पाथ चेंज हो जाता है बाय आउटर मैग्नेट, बाहर वाले मैग्नेट की वजह से, तब जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब पिक्चर सही नहीं आती। स्टूडेंट किस्सा मुख्तसर, अगर हम इन पूरी लाइंस का जो है अगर हम खुलासा देखें, तो इस पूरी लाइंस में ये समझाया जा रहा है पूरे पैराग्राफ में कि एज वी नो डैट व्हेन चार्जेस आर मूविंग इन अ सर्टेन रीजन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टेड अराउंड द चार्जेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। हम सब जानते हैं कि जब चार्जेस जो होते हैं किसी खास रीजन के अंदर जो है मूव कर रहे होते हैं, तो करंट के फ्लो की वजह से उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, उनके उन चार्जेस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसेस देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन गन, स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन से जो है यहाँ पर खारिज होते हैं, ठीक है, इस सिनेरियो में। तो जब इलेक्ट्रॉन गन से जो है इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके, और जो कि टीवी स्क्रीन की तरफ मूव कर रहे होंगे। व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स। जब एक मैग्नेट जो है हम टीवी की स्क्रीन के पास ले आएंगे, तो जो चार्जेस थे जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास अपने ही फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन उस मैग्नेट की वजह से वो एक और मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, एंड हिंस आर डिफ्लेक्टेड, और तब वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी कहीं डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू देयर चेंज ऑफ पाथ बाय आउटर मैग्नेट द पिक्चर विल बी डिस्टॉर्टेड। क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे और अपना जो पाथ है टीवी स्क्रीन तक पहुंचने का उसको चेंज कर लेंगे, मीन्स के वो टीवी स्क्रीन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तब जो है वो पिक्चर जो हो जाएगी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ओके, मीन्स की सही नजर नहीं आएगी। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट मैग्नेटिक फोर्स इन द रीजन इज जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल्स है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं किसी जगह से, ठीक है, सम रीजन ऑफ स्पेस से, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फोर्स इन द रीजन इज जीरो, क्या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस रीजन में जीरो होगी? आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला हमने ओरिजिनेट किया है, ये है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जब एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी
और साइन थीटा। अब हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जो चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो होगी? मैग्नेटिक फोर्स तब जीरो होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर ये पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मतलब वो चार्जेस मूव करें। मीन्स के फर्ज किया कि अगर एक चार्जेस अलग एक्स एक्सिस मूव करें, मीन्स के ठीक है, तो हमारे पास फोर्स उन पे कब जीरो होगी? जब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होगी उसके या फिर एंटी पैरेलल होगी। मीन पैरेलल में एंगल कोई नहीं बन रहा होता, जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, ओके। और साइन, और जब एंटी पैरेलल होगी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री भी साइन 180 डिग्री जीरो होता है, ओके। सो इस वजह से उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल होगी। सो हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि कब जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या उस मैग्नेटिक फोर्स उस रीजन में जीरो होगी या नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला उसको हमने अप्लाई किया ताकि हम बता सके जीरो के बारे में, ठीक है, होगी या नहीं होगी। तब हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा फॉलोइंग रीजंस की वजह से, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर तो वो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन से मुराद यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। सो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू चार्ज पार्टिकल्स, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आर प्रोजेक्टेड और उनको मूव कर दिया गया है एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है। इफ द चार्ज इज डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट देम? अगर तो जो चार्ज है वो किसी ऑपोजिट मतलब मुखालिफ डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है तो आप क्या कहेंगे? आंसर है When a charged particle is projected in magnetic field, it will experience the magnetic force. जब एक चार्ज पार्टिकल जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, तब जो है वो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी और वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज पार्टिकल। वो फोर्स क्या होगी? एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सो एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। थस इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज। अगर तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज रखेंगे। वन पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिवली चार्ज। तो एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब दो चार्ज पार्टिकल जो है उनको प्रोजेक्ट किया कैसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर थी, तब जो चार्जेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट कर देते हैं, तब जो है आप उस सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगे? सो आंसर ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है तो क्या होगा? थस इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर एक चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब जो पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज ही होंगे। ऑपोजिटली चार्ज का मतलब ये होता है कि वन पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का होगा और नेक्स्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज का होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट? स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको तो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड, आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हैं केमिकल एलिमेंट्स की आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए, मीन्स के अलहदा करने के लिए, ओके। सो आंसर है सिंस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। सिंस जैसा कि जो एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उनका चार्ज नंबर तो सेम है बट मैस नंबर जो है वो डिफरेंट है। एज वी नो डैट, जैसा कि हम सब जानते हैं द रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन साइड अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो रेडियस होता है उसका फॉर्म्यूला होता है आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, और जो आर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। एम का मतलब है मैस नंबर, ओके। इट शोज दैट द आइसोटोप्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विल फॉलो सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियाई ड्यू टू देयर डिफरेंट मैसेस, सो दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली। सो स्टूडेंट्स इन लाइंस का मतलब ये है कि अगर आइसोटोप्स हैं उनको हमने प्रोजेक्ट किया है सेम पॉइंट से राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में, तब वो जो है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग जाएंगे डिफरेंट रेडियाई में। डिफरेंट रेडियाई का मतलब यह है कि हर जो एलिमेंट है उसका जो रेडियस है वो डिफरेंट होगा लेकिन वो सर्कल में मूव कर रहे होंगे।
रेडियाई क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि उनका हर किसी का मैथ्स नंबर डिफरेंट होगा, इस वजह से उनको आसानी से जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ओके, उनके दरमियान फर्क बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हमने देखा कि जैसे कि हमें मालूम है कि हर एलिमेंट जो एलिमेंट है उसके जो आइसोटोप्स है उनके चार्ज नंबर सेम होते हैं बट मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के जो रेडियस है चार्ज पार्टिकल का इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, कि चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, या फिर आर जो है हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, ओके। So it shows that the isotopes projected from the same point at right angle to the magnetic field B will follow circular path of different radii due to their different masses. ये जाहिर करता है कि जो isotopes है जब हमने उनको project किए सेम पॉइंट से राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में तो ये फॉलो करेंगे सर्कुलर पाथ को, और डिफरेंट रेडिया इस वजह से होगा क्योंकि डिफरेंट मैसेज होंगे, इस वजह से हम जो है इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज दैट अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with a velocity v, why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge q? फोर्स कर लेंगे एक चार्ज क्यू है और वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और इसकी वेलोसिटी v की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो कोई भी वर्क डन क्यों अमल नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई भी वर्क डन क्यों नहीं कर रही जो कि उस चार्ज पे अमल कर रही है। वर्क डन इज गिवन एज, वर्क डन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आप सबको पता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ओके। सो नाउ ये डॉट प्रोडक्ट है इस वजह से हमने कॉस लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन लिखते, ओके। सो डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा हमने लिख दिया। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल एक्ट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया फिजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है फिजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। सो फिजिकल टू क्यू वी बी, थीटा जो है वो क्या है 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री कैसे आया, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल एक्ट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल विल एक्ट नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस 90 हमेशा जीरो के इक्वल होता है तो वर्क भी जीरो के इक्वल होता है, ओके। थस वी कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स इज अ रिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क, हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक रिफ्लेक्टिंग फोर्स है और ये कोई भी वर्क डन नहीं करती, ओके। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी टू यूजेस ऑफ सीआरओ, कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप के आपने दो यूजेस बयान करने हैं, ओके। सो नंबर 1 है, द सीआरओ इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द वेव फॉर्म ऑफ अ गिवन वोल्टेज, जो सीआरओ जो है दी गई वोल्टेज की वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वंस द वेव फॉर्म इज डिस्प्लेड, जब हम वेव फॉर्म देख लेते हैं, वेव फॉर्म मतलब इस तरीके से, ठीक है, जब वेव फॉर्म, वंस द वेव फॉर्म इज डिस्प्लेड, जब वेव फॉर्म को डिस्प्ले कर दिया जाता है तो हम मेजर कर सकते हैं, यू कैन मेजर द वोल्टेज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेस, तो हम मेजर कर सकते हैं इसके वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ, कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप के कंपोनेंट के नेम बयान करें, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ सीआरओ, कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप के मेन पार्ट्स के नेम बयान करें, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इनका आंसर भी एक ही आएगा, ओके। सो अब एलिमेंट हमने जो है कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप है उसके हमने मेन पार्ट्स बताने हैं कि वो कैसे बनी होती है, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट जो है यूज किए जाते हैं सीआरओ को बनाने के लिए, सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को बनाने के लिए कौन से मेन पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये कंपोनेंट्स को, मेन पार्ट्स और कंपोनेंट्स का मतलब सेम होता है। नाउ अ फिलामेंट, एक फिलामेंट कैथोड ग्रिड टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन गन, जब कैथोड और ग्रिड मिलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गन बना देते हैं, ठीक है। एनोड्स, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मेन पार्ट्स हैं सीआरओ के, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टाइम बेस्ड जनरेटर और डिफाइन स्वीप वोल्टेज, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है और स्वीप वोल्टेज की डेफिनेशन लिखें, ये भी सेम ही है क्योंकि ये एग्जाम्स में मुख्तलिफ अंदाज में पूछ लिए जाते हैं दो तरीकों से, इसलिए मैं दोनों तरीके ही लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें, ओके। Now a voltage that is applied across X plates is usually provided by a circuit that is belt and CRO and scalp sweep or time based generator. ठीक है, its output waveform is a sawtooth voltage of period T. Question number 13, is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain.
सो स्टूडेंट्स, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक जो करंट लूप है उसको हम ओरिएंट करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कि जो लूप है वो रोटेट ना करे? एक्सप्लेन द टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप व्हेन द प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड. टार्क का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हम जब भी रोटेशन की बात हो तो इसका मतलब है टार्क. जब टार्क जो है, टार्क का फॉर्मूला जो है एन आई बी ए कॉस अल्फा. क्लियरली व्हेन प्लेन ऑफ द कोइल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब जो है कोइल का जो एंगल है प्लेन ऑफ द कोइल का 90 डिग्री होगा विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ द टॉर्क ऑन द कोइल विल बी जीरो, तब जो है टॉर्क जीरो होगा. 90 डिग्री क्यों होगा, तब टॉर्क क्यों जीरो होगा, जब कोस 90 होता है, कोस 90 जीरो के इक्वल होता है तो टॉर्क जीरो होगा. इन दिस कंडीशन द कोइल विल नॉट टेंड टू रोटेट, इस कंडीशन में कोइल जो है वो रोटेट नहीं करेगी. किस कंडीशन में नहीं करेगी, जब जो कोइल है प्लेन ऑफ द कोइल है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 13 था. 13 में हमसे ये पूछा गया था, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट. क्या ये पॉसिबल है कि करंट लूप है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और वो रोटेट नहीं करी वो लूप? ठीक है, सो उसको हमने एक्सप्लेन करना था. रोटेट के लिए जो है टार्क का हमने फॉर्मूला यूज किया. जो टार्क है करंट कैरिंग लूप जो है, करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो टार्क उस पर अमल करेगा. टार्क इज इक्वल टू एन ए बी ए कॉस अल्फा. क्लियरली जब प्लेन ऑफ द कोइल जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब जो टार्क ऑन द कोइल है जीरो होगा, क्योंकि कोस 90 जीरो होता है इसलिए टार्क जीरो होगा. इस कंडीशन के अंदर द कोइल विल नॉट टेंड टू रोटेट, तब जो है इस कंडीशन में कोइल रोटेट नहीं करेगी. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ गिवन स्पेस. आप कैसे जो है आप एक करंट लूप को यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए क्या उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट, द टार्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप व्हेन द प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ये. स्टूडेंट, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड है तब तो वो रोटेट करेगी, ठीक है, लेकिन ऊपर मैं रोटेट इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जब वो 90 डिग्री का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाएगी तब रोटेट नहीं करेगी. ओके, सो टार्क जब रोटेट करेगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वजह से टार्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कोस अल्फा. द लूप इज डिफ्लेक्टेड इन द रीजन, अगर तो जो लूप है उस रीजन के अंदर डिफ्लेक्ट हुई, मीन्स के डिफ्लेक्ट हुई मीन्स के उससे हमने पोजिशन चेंज की, देन इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज नॉट, तब तो ये कन्फर्म है कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वरना नहीं है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल मल्टीमीटर गिव इट्स टू एडवांटेजेस ओवर एवोमीटर. डिजिटल मल्टीमीटर क्या है और इसके दो एडवांटेजेस बताने हैं, जो कि हमने डिजिटल मल्टीमीटर के एडवांटेजेस बताने हैं कि एवोमीटर से डिजिटल मल्टीमीटर क्यों ज्यादा बेहतर है. ओके, सो नाउ इट इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर. डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो एवोमीटर का डिजिटल वर्जन है. इट इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट. और इसको किस लिए यूज किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को और करंट को मेजर करने के लिए. ओके, एडवांटेजेस इसके टू हमसे डिमांड किए गए थे तो हम टू लिखेंगे. द डिजिटल वैल्यूज आर डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली विद डेसिमल पॉइंट पोलैरिटी एंड यूनिट फॉर वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस. जो डिजिटल वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली ही डिस्प्ले कर दी जाती हैं डेसिमल पॉइंट के साथ, पोलैरिटी एंड यूनिट ऑफ फॉर वोल्टेज और करंट एंड रेजिस्टेंस. दीज मीटर्स आर जनरली इजियर टू यूज बिकॉज दे एलिमिनेट द ह्यूमन एरर दैट ऑफन अकर इन रीडिंग द डायल ऑफ एन ऑर्डिनरी एवोमीटर. इस मीटर के जरिए ये होता है कि जो ह्यूमन एरर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं. ह्यूमन एरर्स का मतलब क्या, मतलब इसमें कि एवोमीटर जो है वो है एक इंसान खुद रीड करता है कि क्या है, ठीक है, कितनी इसके अंदर क्या रीडिंग्स है इसकी. लेकिन जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो डेसिमल पॉइंट के साथ खुद ही शो कर देता है. तो इस वजह से डिजिटल मल्टीमीटर की वजह से सेवोमीटर की जो हमारे पास डिसएडवांटेज था, ह्यूमन के ह्यूमन एरर कर सकता है, तो उससे हम सेफ हो चुके हैं क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो एवोमीटर से ज्यादा बेहतर है. नाउ स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, सो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. अल्लाह हाफिज़.